इस वीडियो में हम शैडो फाइट 3 के चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 तक की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और चैप्टर 7 और चैप्टर 7.2 की स्टोरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट फर्दर लूप लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो इससे पहले के शैडो फाइट 3 के चैप्टर्स यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 में हमने देखा कि कैसे हमारा प्लेयर लीजन में रिक्रूट होता है। इसके बाद वो लीजन से भाग जाता है और वो डायनेस्टी में जाता है। इसके बाद वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ फाइट करता है। और चैप्टर 3 के एंडिंग में हमने देखा जब I2, जून और मार्कस आपस में लड़ रहे होते हैं तभी स्पीयर ब्रोक हो जाता है और उसके अंदर से शैडो एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पर हमारे प्लेयर ने इन तीनों में से जिसको भी चूज किया होगा वो शैडो एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और वो कैरेक्टर होगा अपने शैडो फॉर्म में। और यहाँ पर मैंने क्योंकि जून को चूज किया था इस वजह से जून अपने शैडो फॉर्म में आ जाती है। शैडो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जून के पास अपॉर्चुनिटी होती है I2 को और मार्कस को मारने की, लेकिन वो उनको मारती नहीं है। यहाँ पर वो उन दोनों को मारने के बजाय अपने साथ टेलीपोर्ट कर डायनेस्टी के एक विलेज में लेकर आती है। जो विलेज आधा जल चुका है और इस विलेज पर लीजन ने हमला किया था और लीजन ने इस विलेज को आधा जला दिया। अब यहाँ पर जून मार्कस को और ईटो को उसके लिए लड़ने के लिए कहती है लीजन के सोल्जर्स से। इसके थोड़ी देर बाद ही जून अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में फिर भी शैडो एनर्जी घूम रही होती है। इसके बाद जून ईटो को बताती है कि सिर्फ एक ही बंदा उनकी मदद कर सकता है जिसका नाम है लिंग, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। यहाँ पर हमें और एक बात पता लगती है कि जो लिंग है वो एक शामान है। अब यहाँ पर शामान कौन है? तो शामान वो पुराने टाइम के हेराल्ड्स थे जो कि मानते थे कि शैडो एनर्जी को प्रिजर्व कर रखना चाहिए। वो ही उनके एनर्जी का सोर्स है जिसे द माइंड ऑफ द शैडो एनर्जी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें और एक बात पता चलती है कि बोलो ने इन शामंस के ऊपर हमला किया था और सिर्फ लिंग ही अपने आप को बचा पाया। अब यहाँ पर जून लिंग की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है, लेकिन उसे लिंग नहीं मिलता। लिंग के बजाय उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर में डिस्ट्रॉयड विलेज लिखा होता है जो कि एक सीक्रेट होता है। और उस सीक्रेट को सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जून लिंग की तलाश में डिस्ट्रॉयड विलेज में जाती है। अब यहाँ पर जाने के बाद उन्हें युक्का मिलता है। यहाँ पर युक्का एक ग्रुप का मेंबर है जो कि रेबल वॉरियर्स का ग्रुप है। यहाँ पर इस ग्रुप के मेंबर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। अब यहाँ पर जब जून युक्का से बात करती है तो हमें एक बात पता लगती है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो प्लान कर रहा है लीजन और डायनेस्टी के ऊपर हमला करने के लिए, और ये सब वो एक बड़े पावर सोर्स से करने वाले है जिसे कहा जाता है रिफ्ट। अब इसके बारे में जब हमें पता लगता है तो हम उनके ग्रुप से फाइट करते है। यहाँ पर ईटो जून को कहता है कि जो भी इस ग्रुप का लीडर है वो प्लान कर रहा है लिंग की मदद से उस रिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम युक्का से पूछताछ करते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि जो लीडर है उसे आखिरी बार मर्चेंट के साथ देखा गया था और वो कैपिटल की तरफ गए थे। इसके बाद ये सब लीडर की तलाश में मर्चेंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इसके लिए वो कैपिटल में जाते हैं। अब इसके बाद जब हम मर्चेंट के साथ बातचीत करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसे नहीं पता कि लीडर कहाँ पर है और वो हमें एम्बेसडर के पास जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद ये सब एम्बेसडर के पास जाते हैं। यहाँ पर एम्बेसडर थोड़ी देर के लिए हमारे प्लेयर को और सभी को बातों में फंसाए रखता है और उसके सोल्जर्स को चुपके से उन पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लेयर उसके सारे सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। यहाँ पर एम्बेसडर हमारे प्लेयर को टिम्बर वुल्फ से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। यहाँ पर एम्बेसडर पागल हो जाता है जब हमारा प्लेयर टिम्बर वुल्फ को डिफीट कर देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर डेंगराव आ जाता है और वो हमारे प्लेयर को उसके योद्धाओं से लड़ने के लिए चैलेंज करता है और हमारा प्लेयर उसके योद्धाओं से लड़ता है और हमारा प्लेयर उसके सारे योद्धाओं को डिफीट कर देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही डेंगराव वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ पर लिंग अपेयर होता है। यहाँ पर इन सबको शौक तब लगता है जब पता लगता है कि जो लिंग है वही उनके ग्रुप का लीडर है। यहाँ पर ईटो लिंग को पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इन सबके खिलाफ कैसे जा सकते हो? तो लिंग कहता है कि मैंने सिर्फ फ्रीडम के लिए इन सबके अगेंस्ट खड़ा होना सही समझा। अब ये बातें होने के बाद हमारे प्लेयर की और लिंग की वापस से फाइट होती है जिसमें हमारा प्लेयर लिंग को डिफीट कर देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही लिंग हमें बताता है कि इस पूरे दुनिया पर खतरा छाया हुआ है और जल्द ही शैडो रिटर्न करने वाला है, और जिस आदमी ने ये सब शुरू किया है यानी कि शैडो, वो वापस से इस दुनिया में आ रहा है।
और इसी के साथ चैप्टर 5 की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर लिंग हमें बताता है कि स्पीयर डिस्ट्रॉय होने के बाद शैडो इस वर्ल्ड में आया है, और लिंग हमें बताता है कि सिर्फ एक ही आदमी को शैडो के बारे में पता है, जो कि शैडो का स्टूडेंट था, जिसका नाम है गैलेन। इसके बाद हम किसी तरह गैलेन को ढूंढ लेते हैं, और गैलेन बताता है कि शैडो एक बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर है और वो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस बातचीत के थोड़ी देर बाद ही गैलेन हमारे प्लेयर को एक मैप देता है, और इस मैप में लोकेशन होती है शैडो आइलैंड की। शैडो आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैडो बहुत बार विजिट कर चुका है, और उसे लगता है कि यही एक जगह है जहाँ पर हमें शैडो मिल सकता है। अब यहाँ पर शैडो आइलैंड में जाने से पहले गैलेन हमारे प्लेयर को एडवाइस करता है। वो कहता है कि उन्हें पहले पायर पर जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें फेंग नाम का एक आदमी मिलेगा, जिसके पास शिप है। अगर वो शिप से जाएंगे तो वो जल्दी पहुंच सकते हैं। अब ये बात जानने के बाद हमारा प्लेयर और बाकी सभी मेंबर फेंग की तलाश में आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर फेंग एक कैप्टन है जो कि शिप को कंट्रोल करता है। जब हमारा प्लेयर और जून और बाकी सभी मेंबर फेंग तक पहुंचते हैं, तो फेंग कहता है कि उसके पास शिप नहीं है, और उसके जितने भी लोग थे यानी जितने उसके साथी थे, उन सब ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उसकी शिप को चुरा लिया। अब इसके बाद हमारा प्लेयर और बाकी सभी मेंबर शिप की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, और फाइनली उन्हें शिप मिल जाती है। लेकिन इस शिप को कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है, और इस शिप के अंदर जाने के बाद उन्हें एक आर्टिफिशियल क्रिएचर मिलता है, जिसका नाम होता है शैडो बॉट। यहाँ पर ये शैडो बॉट हमारे प्लेयर को आगे जाने से रोकता है। इस वजह से हमारे प्लेयर में और उसमें फाइट होती है, जिसमें हमारा प्लेयर उसे बुरी तरह से हरा देता है। जिसके बाद जो इनका लीडर है वो बाहर निकल कर आता है। ईटो इसको पहले से ही पहचानता है, और इस आदमी का नाम होता है मास्टर ओकाडा। यहाँ पर ये आदमी बहुत ज्यादा बेरहम होता है, और वो असिस्टेंट होता है बोलो का। इसके बाद हमारे प्लेयर में और ओकाडा में फाइट होती है, जिसमें हमारा प्लेयर बुरी तरह से ओकाडा को डिफीट कर देता है। अब इसके बाद हमारा प्लेयर शिप का कंट्रोल ओकाडा से छीन लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही फेंग उन्हें ज्वाइन करता है, और यहाँ पर अब सभी मेंबर्स यानी कि ईटो, जून, मार्कस और हमारा प्लेयर सब निकल पड़ते हैं शैडो आइलैंड की तरफ। अब यहाँ पर बहुत बड़ी जर्नी पार करने के बाद फाइनली हमारा प्लेयर और बाकी सभी मेंबर शैडो आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारा प्लेयर और बाकी सभी मेंबर्स शिप को छोड़कर शैडो की तलाश में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर शिप के अंदर ओकाडा छुपकर बैठा होता है, और वो शिप के अंदर रुकने का ही फैसला करता है। अब यहाँ पर जब वो आगे बढ़ते हैं, तो अचानक वहाँ पर शैडो मैन प्रकट हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो वापस अंदर छुप जाता है। अब यहाँ पर आइलैंड में आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है, जो अपना नाम मोयरा बताती है। अब यहाँ पर हमारे प्लेयर को मोयरा की आवाज़ पहचानी हुई लगती है, और उसे लगता है कि उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। यहाँ पर हमारे प्लेयर को याद आता है कि जब शैडो मैन प्रकट हुआ था, तो उसके साथ साथ एक छोटी बच्ची की आवाज़ भी आ रही थी, और उस बच्ची की आवाज़ और मोयरा की आवाज़ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर मोयरा के साथ बातचीत में हमें पता लगता है कि मोयरा पहले से ही शैडो को जानती थी, और यहाँ पर वो शैडो को पर्सनली जानती थी, और वो हमें नॉर्थ में जाने के लिए कहती है। यहाँ पर वो और एक बात बताती है कि उसने बहुत समय से शैडो को नहीं देखा। अब यहाँ पर मोयरा हमारे प्लेयर के साथ आने के लिए जिद करती है, और यहाँ पर हमारा प्लेयर उसकी बात को मान लेता है और उसे अपने साथ ले लेता है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद ही अचानक उन पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर हमला कर देता है, जो क्रिएचर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, लेकिन किसी तरह हमारा प्लेयर उसको डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर जर्नी में आगे मोयरा हमारे प्लेयर को कहती है कि जब वो छोटी थी, उसके ऊपर एक शैडो बीस्ट ने हमला किया था, और इस वजह से उसे एक डिजीज हो गया था, जिसे स्कॉर्ज कहा जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही हमारा प्लेयर एनकाउंटर करता है स्कॉर्ज को, और ये स्कॉर्ज अपने एंजल फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म पूरा शैडो एनर्जी से कवर होता है। इसके थोड़ी देर बाद ही हमारे प्लेयर में और स्कॉर्ज में फाइट होती है, और स्कॉर्ज हमारे प्लेयर को एक कड़ी टक्कर देता है, लेकिन किसी तरह हमारा प्लेयर उसको डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर मार्कस मोयरा को पूछता है क्या वो उनकी क्वीन है, क्योंकि यहाँ पर मार्कस को लगता है कि मोयरा उनकी क्वीन है। अब यहाँ पर मोयरा रिप्लाई करते हुए ये कहती है कि उसे खुद को ही नहीं पता। अब इसके बाद शैडो को ढूंढने के लिए और शैडो माइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, और इसी के साथ चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर मार्कस की मदद से सब नॉर्थ में लीजन के फोर्ट्रेस तक जाते हैं। अब यहाँ पर सब मिलकर लीजन के फोर्ट्रेस के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एक गार्ड उन्हें रोकता है। इस वजह से हमारे प्लेयर में और उसमें फाइट होती है। अब यहाँ पर लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, और इसी शोर शराबे को सुनकर लोलंडा जो कि क्वीन है लीजन की, वो बाहर निकल कर आती है देखने के लिए कि क्या मैटर चल रहा है। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद वो मोयरा को देखती है और उसे पहचान जाती है। यहाँ पर मोयरा उस क्वीन की बहन होती है। यहाँ पर मोयरा उस क्वीन को बताती है कि जून प्रिंसेस है डायनेस्टी की। इसके बाद वहाँ की क्वीन हमें महल के अंदर लेकर जाती है,
अब यहाँ पर महल के अंदर जाने के बाद वो हमें गेस्ट रूम में लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ईटो को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि जिसे वो गेस्ट रूम कह रही है वो असल में एक जेल है। यहाँ पर मार्कस उस क्वीन को कहता है कि एल्डर्स को बताने के लिए कि वो आ चुका है और उसकी प्रेजेंस के बारे में उनको इन्फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि सब मर चुके हैं और सिर्फ एक ही आदमी बचा है जिसे जेल में डाल दिया है। अब यहाँ पर ईटू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एक सोल्जर उसके पास आकर ये कहता है कि जिसको वो क्वीन समझ रहे हैं वो असल में क्वीन नहीं है बल्कि वो एक चुड़ैल है जो कि क्वीन बनने का नाटक कर रही है और ये चुड़ैल सिर्फ इस लीजन की बर्बादी चाहती है। यहाँ पर मार्कस इस गार्ड की बात सुन लेता है और उसे ये कहता है कि तुम्हें अपने क्वीन की बुराई नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद ये गार्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और हमें पता लगता है कि जिसे हम गार्ड समझ रहे हैं वो असल में सार्ज है और ये सार्ज वही है जिसे हमारा प्लेयर पहले सर्व किया करता था। लेकिन यहाँ पर इतने समय में सब कुछ बदल गया और यहाँ पर सार्ज को कैद कर लिया गया और वो अभी इनकी गुलामी करता है। अब यहाँ पर सार्गे हमें बताता है कि यहाँ पर दंगे चल रहे हैं और ये दंगे को उसने ही भड़काया है और इन दंगों को लीड करने वाले का नाम है जैंडर। और वो और एक बात बताता है कि जब डेंगराव की आर्मी यहाँ पर पहुंचेंगी तो वो डेंगराव की आर्मी को ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर सब मिलकर जैंडर के पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं जियांग टीजू है। अब यहाँ पर जियांग टीजू हमारे प्लेयर को वापस से लड़ने के लिए चैलेंज करता है जिसमें हमारा प्लेयर उसे बुरी तरह से हरा देता है। अब इसके बाद सार्ज हमें बाहर जाने का रास्ता बताता है। अब यहाँ पर सार्ज कंफ्यूज होता है कि मार्कस अभी भी इतना यंग क्यों है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि लीजन को किसी भी हालत में बचाना होता है। अब यहाँ पर मार्कस पूछता है कि लोलांडा को तो उसके आने के बाद रानी बनाने वाले थे, उसे पहले रानी कैसे बना दिया, यानी कि उसके स्पीयर कैंपेन से आने के बाद लोलांडो को रानी बनाने वाले थे। यहाँ पर सार्ज हमें बताता है कि उस क्वीन ने यानी कि लोलांडा ने सबको साइलेंस कर दिया जो भी उसके अगेंस्ट था और सभी को शैडो स्क्वाड को रिक्रूट करने के लिए कहा। अब यहाँ पर ईटो सिंहासन के रूम तक जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर जून और मोराय है कि नहीं, और उस वक्त हमारा प्लेयर और मार्कस डायनेस्टी के वॉरियर से लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर ईटो क्वीन को मिलता है और क्वीन कहती है कि दोनों ही लड़कियां सेफ है। अब यहाँ पर सीक्रेट दरवाजे की यूज से मार्कस और हमारा प्लेयर क्वीन के थ्रोन तक पहुंचते है। यहाँ पर क्वीन मार्कस को अचानक देखकर सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मार्कस क्वीन को क्वेश्चन पूछता है कि क्यों उसने लीजन को धोखा दिया और हेराल्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्वीन ये कहती है कि जो उसके सोल्जर्स है वो बोलो के वॉचर्स है। इसके बाद क्वीन बोलो के वॉचर्स से हमारे प्लेयर और मार्कस के ऊपर हमला करती है। यहाँ पर हमारा प्लेयर उन्हें बुरी तरह से डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर क्वीन के पास कुछ नहीं बचता अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो वो अपने असली अवतार में आ जाती है यानी कि उसके रोबोटिक बॉडी में आ जाती है जो कि उसे बोलो ने दिया था अपने आप को स्कॉर्च से बचाने के लिए। इसका वो यूज करती है हमारे प्लेयर और मार्कस से लड़ने के लिए। अब इसके बाद जब हमारे प्लेयर में और लोलैंड में फाइट होती है तो हमारा प्लेयर उसे बुरी तरह से डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर ईटो क्वीन को कहता है कि तुम्हें बोलो ने धोखा दिया। वो कहता है कि अगर तुम स्कॉच से इन्फेक्टेड हुई होती तो अभी तक तुम एक शेडो बीस्ट में कन्वर्ट हो चुकी होती। अब इसके बाद क्वीन हमारी बात मान लेती है। अब यहाँ पर सब जब क्वीन से शेडो के बारे में पूछते हैं तो क्वीन ये बताती है कि उसने बहुत समय से शेडो को नहीं देखा और वो और एक बात बताती है कि शेडो को आखिरी बार क्रिप्ट के पास देखा गया था। अब यहाँ पर वो हमें क्रिप्ट तक पहुँचने का रास्ता बताती है, लेकिन वो हमें चेतावनी भी देती है और वो ये कहती है कि बोलो के क्रिप्ट कीपर्स वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें शेडो माइंड दिखता है और शेडो माइंड ये कहता है कि सिर्फ प्लेयर ही अंदर एंटर कर सकता है और बाकी सभी को बाहर रुकना पड़ेगा। इसके बाद शेडो माइंड हमारे प्लेयर को एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो बताता है कि क्रिप्ट असल में मे की ग्रेव है। अब यहाँ पर शेडो माइंड हमारे प्लेयर को उसकी पास्ट स्टोरी बताता है कि क्या हुआ था उसके और शेडो के बीच में। अब यहाँ पर शेडो माइंड अपनी स्टोरी में बताता है कि मैंने गलती से उसको रिलीज कर दिया था जब गेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो शेडो वर्ल्ड से इस ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था, और जब उसे पता लगता है कि शेडो के ऊपर हमला हुआ है तो वो एक बीस्ट को अपने अंदर समन कर लेता है ताकि वो मे की जान बचा सके। इसके बाद शेडो आकर वहां पर सभी को मार देता है जिसमें वो अपने हाथों से ही मे को भी मार देता है, और उस वक्त वहां पर शेडो माइंड वहां से चला गया होता है। और यहाँ पर शेडो शेडो माइंड को नहीं मार सकता, वो सिर्फ उसको स्पीयर के अंदर कैद कर सकता है। यहाँ पर बहुत सालों तक शेडो ट्रेनिंग करता रहा और अपने आप को और ज्यादा खतरनाक बनाता रहा, और बहुत बार उसने शेडो माइंड के साथ फाइट की लेकिन वो हर बार नाकामयाब हुआ। इस बीच शेडो ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट किया, साथ ही साथ उसने शेडो बीट से भी टक्कर ली जिसकी वजह से लोकल्स में उसने रिस्पेक्ट अर्न की। अब यहाँ पर जो लोकल्स शेडो को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे उन्होंने एक ग्रुप को बनाया ताकि वो शेडो की हेल्प कर सके, और इस ग्रुप को ही लीजन कहा जाता था, और इसी तरह लीजन की शुरुआत हुई।
अब यहाँ पर लीजन के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को अपने साथ लेकर शैडो एक जर्नी पर जाता है ताकि वो लेजेंडरी शैडो सॉर्ड को ढूंढ सके जो कि बिलोंग करती है पासी के साम्राज्य के प्रिंस को। अब यहाँ पर जब शैडो प्रिंस के महल में जाता है तो उसकी मुलाकात प्रिंस के फादर से होती है और वो प्रिंस के फादर से हेल्प मांगता है ताकि वो उसे स्पीयर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके और इसी की वजह से पहला स्पीयर टेम्पल बनाया गया। आगे जाकर किसी तरह शैडो स्पीयर के अंदर शैडो माइंड को कैद कर लेता है और यहाँ पर अब हमें पता लगता है कि शैडो को एक ऐसी सोल चाहिए जो कि एकदम परफेक्ट हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ताकि वो उस सोल को अपने अंदर समा सके और इस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सके और अगर वो ऐसा करता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके लिए उसने दो लोगों की सोल को चूज करना सही समझा जो कि थे गैलन और बोलो। लेकिन दोनों की सोल इतनी परफेक्ट नहीं थी कि शैडो माइंड उसके अंदर प्रवेश कर सके। यहाँ पर शैडो माइंड को एक बात पता लगती है कि सिर्फ एक ही सोल है जो कि इतनी परफेक्ट है जिसके अंदर शैडो माइंड उतर सकता है और वो किसी और की नहीं बल्कि शैडो की ही सोल है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि शैडो का इंटरेस्ट चला गया था शैडो माइंड को डिफीट करने में, इस वजह से उसने पोर्टल का यूज कर फ्यूचर में आ गया यानी कि करंट टाइमलाइन में वो पोर्टल का यूज कर आया है ताकि वो मे को वापस से रिजुरेक्ट कर सके। यहाँ पर शैडो माइंड अपनी स्टोरी बताना खत्म करता है ये कहते हुए कि शैडो का इंटेंशन था इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना ताकि वो मे के साथ फाइनली कंबाइन कर सके। अब यहाँ पर जर्नी में आगे हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि शैडो ने अपने ही हाथों से मे को मारा लेकिन इसका जिम्मेदार उसने शैडो माइंड को ठहराया, जिससे हमें पता लगता है कि जो शैडो शैडो फाइट 2 में बहुत अच्छा आदमी था वो शैडो फाइट 3 के अंदर यानी फ्यूचर के करंट इवेंट में बहुत ज्यादा करप्ट और सेल्फिश बन चुका है। अब यहाँ पर शैडो माइंड ये बताता है कि उसे पता है शैडो को कैसे डिफीट किया जा सकता है और वो बताता है कि इसके लिए उसे प्लेयर के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब शैडो माइंड को हमारे प्लेयर के साथ कंबाइन होना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा प्लेयर भी मर जाएगा। अब यहाँ पर शैडो माइंड के साथ कंबाइन होने से पहले हमारे प्लेयर को शैडो माइंड को प्रूफ करना होगा कि हमारा प्लेयर भी एक बहुत अच्छा योद्धा है। अब यहाँ पर शैडो माइंड में और हमारे प्लेयर के बीच में फाइट होती है ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा प्लेयर कितना वर्दी है शैडो माइंड के साथ कंबाइन करने के लिए। यहाँ पर शैडो माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत खतरनाक अटैक्स देता है हमारे प्लेयर पर, लेकिन किसी तरह हमारा प्लेयर जीत जाता है। अब इसके बाद शैडो माइंड और हमारा प्लेयर कंबाइन होते हैं और पोर्टल की मदद से वो फ्यूचर में जाते हैं ताकि वो रोक सके शैडो को। सो इसी के साथ चैप्टर 6 की स्टोरी खत्म होती है और चैप्टर 7 की स्टोरी स्टार्ट होती है। चैप्टर 7 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 7 की स्टोरी को। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।